तो आज चलिए किसान भाई आपको दिखाते हैं आज एक ड्यूज फार एग्रोलैक्स 55 ट्रैक्टर, जो 55 HP की कैटेगरी में ये ट्रैक्टर आता है और 55 एग्रोलैक्स 55 सेव डीजल। इसके अगले टायरों की हम बात करें तो आगे से तो इसके अगले टायर हैं 750/16 के, इसके फ्रंट टायर हैं और कंपनी ने इसकी शो है जो थोड़ी ही चेंजिंग की है और आगे इसमें और ट्रैक्टर में जैसे इसकी ज़्यादा चेंजिंग में की है। और इसके पिछले टायर है जो 16/9/28 के, इसके बैक टायर हैं जो आप मनपसंद ले सकते हैं अपनी। अब इसकी बात करते हैं हम फ्रंट एक्सल की, जो प्रेशर सिस्टम है कटाई और एक्सल, जो आप देख सकते हैं कि एक प्रेशर इसमें दिया गया है जो एनजुअल है उस साइड के एक्सल के साथ भी कनेक्ट किया गया है, एक साइड से इसका स्टीयरिंग मिलता है। तो इसके पायदानों की बात करें तो इसमें लटकते हुए स्पैडर दिए जाएंगे आपको कार वाले, और सीट के नीचे डैशबोर्ड का बहुत सिस्टम बहुत बढ़िया किया गया है, खुली जगह है बिल्कुल, गियर जो फिटिंग जो डैशबोर्ड के अंदर की गई है सीट के नीचे, हाई लो ABCD में ये ट्रैक्टर आपको उपलब्ध मिलेगा। टायर MRF के इसमें 16/9/28 के बैक टायर, मुरगाडो कंफर्टेबल मुरगाडो इसमें आप देख सकते हैं, पीछे से आपको दिखाएंगे कहाँ से जॉइंट कर रखे हैं। और इस इंजन इसका ट्रैक्टर के आगे से आपको बम्पर एनजुअल आप लगवा भी सकते हैं और नहीं भी, इसके एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं कंपनी को एजेंसी में आने के बाद। फ्रंट लोकेशन फ्रंट पे जो इसका डबल आपको ये हेडलाइट मिलेगी, ड्यूज फार का एक स्टिकर लोगो मिलेगा, इस साइड में आपको इसमें दिख ही रहा होगा दाढ़ी के अंदर ड्राई एयर क्लीनर इसमें अंदर शिफ्ट किया गया है ट्रैक्टर के अंदर, जहाँ कोई कचरा कुचरा वगैरह वगैरह नहीं जाता है, जो ट्रैक्टर चूस ले इसके जाली के अंदर है। और मेन बात है इसके पंप की और इसके इंजन की, यह ट्रैक्टर है 3 सिलेंडर इंजन है इस ट्रैक्टर का, और इसमें रोटरी पंप आपको मिलेगा जो न्यू होलैंड ट्रक वगैरह वगैरह आदि ट्रैक्टर ट्रक में मिलता है। इसका आप गियर शिफ्टिंग देख सकते हैं, क्लच है, ब्रेक है और ये रेस और